ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और ए आई जे जीरो है जब भी आई ग्रेटर देन जे है, ठीक है, और ए ऑफ आई इज वन। तो बेसिकली ये एक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी डायगोनल एंट्रीज वन दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, और सारी डायगोनल एंट्री वन है, तो करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए जो आएगा दैट इज एक्स माइनस वन टू द पावर एन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा डेफिनेटली वन आएगा, तो सारी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ए इनवर्स जो होता है वो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो यहाँ एडजॉइंट की सारी एंट्रीज ऑलरेडी इंटीजर होंगी क्योंकि सारे ए आई जे इंटीजर हैं और ये वैल्यू वन है, तो ए इनवर्स की एंट्रीज भी इंटीजर होंगी, तो यहाँ मैट्रिक्स की एंट्रीज ऑलरेडी इंटीजर दी हुई हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट बट सम ऑफ द एंट्रीज आर नॉट इंटीजर, फॉल्स हो गया। थर्ड कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन विद इंटीजर कोएफिशिएंट, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये एक्स टू द पावर एन इंटू ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू क्या आ जाएगा, लास्ट कोएफिशिएंट लिखोगे तो वो माइनस वन टू द पावर एन इंटू वन आ जाएगा, ठीक है। जब ए टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन सॉरी ए टू द पावर एन माइनस वन एंड ये माइनस वन टू द पावर एन इंटू आई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ तो ए इनवर्स क्या जाएगा समथिंग प्लस माइनस आई इंटू दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में ये सारे कोफिशेंट जो आएंगे वो इंटीजर आएंगे, तो ए इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विद इंटीजर कोफिशेंट, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी कह रहा है कि ए इनवर्स इज नॉट पावर ऑफ ए अनलेस इट इज आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर के इफ ए इज नॉट आइडेंटिटी, ये ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो मान लेते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू ए टू द पावर सम के, तो दिस इंप्लाइज ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, तो यहाँ से मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए जो होगा वो डिवाइड करेगा एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस वन को, ठीक है, तो यहाँ से मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ एक्स जो होगा वो डिवाइड करेगा एक्स माइनस वन इंटू सम क्यू एक्स, जो ये क्यू एक्स है इसके पास जो रूट्स आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, लेकिन इस ए की सारी आइगन वैल्यू क्या दी हुई है ऑलरेडी वन दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है, तो गारंटी है कि ये कभी भी मिनिमल पॉलीनोमियल का पार्ट नहीं होगा, तो मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए जो आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैंने प्रूफ क्या किया, अगर ए इनवर्स ए की पावर में की फॉर्म में होगा तो ए को हमेशा क्या होना होगा आइडेंटिटी, और अगर ए नॉन आइडेंटिटी है तो ये कभी भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर इज ए सी एंड डी आंसर।